हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है। आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड है। ये स्टॉक बुधवार 27 सितंबर 2023 को 84 रुपए और 90 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 94 रुपए है और 52 वीक लो 45 रुपए और 90 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 82 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 87 रुपए और 40 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 93 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 98 रुपए और 50 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 76 रुपए और 60 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 71 रुपए और 80 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 62 रुपए और 60 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा दूसरा स्टॉक रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड है। ये स्टॉक बुधवार 27 सितंबर 2023 को 127 रुपए और 95 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 137 रुपए और 70 पैसे है और 52 वीक लो 84 रुपए और 50 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 121 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 129 रुपए और 75 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 137 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 143 रुपए। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 120 रुपए और 55 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 115 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 109 रुपए और 95 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा तीसरा स्टॉक आरबीएल बैंक लिमिटेड है। ये स्टॉक बुधवार 27 सितंबर 2023 को 245 रुपए पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 251 रुपए और 40 पैसे है और 52 वीक लो 108 रुपए और 85 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 226 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 251 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 266 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 274 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना अप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 225 रुपए और 85 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 213 रुपए और 90 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 194 रुपए और 85 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा चौथा स्टॉक यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। ये स्टॉक बुधवार 27 सितंबर 2023 को 790 रुपए और 5 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 908 रुपए है और 52 वीक लो 608 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 777 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है।
अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 821 रुपए और 15 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 839 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 861 रुपए और 15 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 770 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 737 रुपए और 65 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 702 रुपए और 20 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा पांचवां स्टॉक इंडस टावर्स लिमिटेड है। ये स्टॉक बुधवार 27 सितंबर 2023 को 191 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तौर पर ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 205 रुपए और 70 पैसे है और 52 वीक लो 135 रुपए और 15 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 177 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब अप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है। अब जो इसका टारगेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रेजिस्टेंस 194 रुपए और 65 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस 205 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस 220 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना आप मूव कंटिन्यू रख पाता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए नजर आ सकता है, और अगर ये स्टॉक इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है तो इसका पहला सपोर्ट होगा 177 रुपए और 10 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट होगा 169 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट होगा 157 रुपए और 60 पैसे। इस स्टॉक में 1 या 2% या फिर फर्स्ट सपोर्ट पे स्टॉप लॉस रख के करंट लेवल से थोड़ा ऊपर नीचे या तो फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से एंट्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इनमें कोई बाई सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।